वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि फोटोशॉप के अंदर हम किसी भी इमेज की एडिटिंग कैसे करते हैं, उसको एकदम क्लियर कैसे करते हैं, साफ कैसे करते हैं और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने फोटोशॉप में डेस्कटॉप से एक फ़ोटो ओपन कर ली है, ये वाली फ़ोटो है, मैं इसको क्लियर करके दिखाऊँगी आपको। तो सबसे पहले पेन टूल पे जाते हैं। पेन टूल पे जाने के बाद में हम इसको कट कर लेते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा लेते हैं और हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेंगे। कुछ इस तरीके दिख रही है। हम न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेके उसको हम इस लेयर के नीचे लेके जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसका नाम मेंशन कर देंगे। मैं इसका नाम बीजी रख देती हूँ, मतलब बैकग्राउंड। हम जो मेन लेयर है हमारी, हम थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसके अराउंड, इमेज के अराउंड में थोड़ा सा स्पेस दिखे हमको। थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं एरिया को। इसके जो फेस है, उस फेस के ऊपर से जो भी पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं उनको हटाएंगे, ब्लैक स्पॉट वगैरह है उनको हटाएंगे। जैसे टीका आ रहा था, हम टीके को भी रिमूव करेंगे। तो ये जो इसमें है टूल बार के अंदर पैच टूल है, मैं उसके हेल्प से जो हीलिंग ब्रश है इन सब का यूज़ करके इसका जो फेस है उसको एकदम क्लियर करेंगे अपन। तो चलिए आप देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा सा जो हेयर है वो स्मॉल स्किन से थोड़ा नीचे के साइड कर देंगे। तो देखिए आप कैसे होता है। तो यह हो चुका है। अब इसको हम ब्लर टूल की हेल्प लेकर थोड़ा सा ब्लर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अलग सा ना लगे। तो मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है। अब इसके बाद में हम जो स्किन कलर होता है वो चूज करेंगे। कर लिया है उसको। चूज करने के बाद में जो इसका फेस दिख रहा है, मतलब जो फेस कलर है, उसके ऊपर ब्रश टूल लेकर और ओपेसिटी 4 रखकर हम उसको दो बार उसको ब्रश कर देंगे। जो फेस वाला एरिया है, जहाँ जहाँ हमें स्किन दिख रही है वो वाला एरिया, 4 ओपेसिटी आप कम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब ज़्यादा अलग भी ना हो और थोड़ा सा सेट भी हो जाए। तो उस हिसाब से लेकर हम इसको थोड़ा सा स्किन कलर देंगे ब्रश टूल की हेल्प लेकर। ओके, हो चुका है। अब हम जो स्मस टूल है उससे जो इसके हेयर है, हेयर को थोड़ा सा मतलब स्मस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से सेट करेंगे। अब जो लिप्स है, जो लिप्स बड़े से मतलब वो लग रहे हैं, ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा उनको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा कलरफुल करेंगे। तो वो मैं जो पेन टूल है उसकी हेल्प लेकर उसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं हम।
अपना पूरा सिलेक्शन बना लिया है स्किन वाले एरिया का। अब मैं सिलेक्शन करने के बाद अब हम जाएंगे इमेज में। इमेज में जाने के बाद में एडजस्टमेंट और इसके अंदर करेंगे हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। तो जैसे मैंने इसको ब्राइट कर दिया तो इसका कलर थोड़ा सा खिल के आ रहा है। उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हल्का सा रेडनेस मतलब देंगे, रेड कलर का थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा भी नहीं देना, एकदम हल्का, जैसे पता भी नहीं चले थोड़ा सा लगे भी। इसको भी हम ब्लर कर देंगे ताकि वो अलग से हमें दिखे ना, और स्किन के अंदर ही थोड़ा सा ऐसा लगे कि स्किन के साथ ही है, मैच करना है उसको, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे उसको भी। वो एकदम रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखाती हूँ। ये पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, पहले इस तरीके थी और अब ऐसी हो गई। तो आप किसी भी इमेज को क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो और एक अच्छी फोटो बना सकते हो।